हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आज की सुबह के समय हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर आज एक नया दिन दिया है और हमारे ऊपर एक नया सूरज प्रभु ने दिया है। हालेलुया, यानी हमें एक नया दिन प्रभु ने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, इसलिए उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, लेकिन हमें प्रभु के वचनों को मानना है। हालेलुया, हमें बाइबल पढ़ना है, प्रभु के वचनों का पालन करना है। हालेलुया, अगर हम कहते रहेंगे कि प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, लेकिन अगर हम पाप में जीते चले जाएंगे तो प्रभु हमें कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, हमारे अंदर जो पाप है उससे प्रभु घृणा करता है। हालेलुया, इसीलिए आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे अंदर से वो पाप निकाल दे जो हमें तुझसे दूर कर रहा है, उस पाप को हमारे अंदर से निकाल दिए, निकालिए, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमसे प्यार किया और आप हमें कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पाप के स्वभाव से, पाप के बंधनों से आजाद कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, आज की सुबह के समय मेरे खुदावंद हम सभी मिलकर, सभी भाई बहन मिलकर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियां प्रभु जो आपसे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावंद, कि पिता परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें परमेश्वर पिता प्रभु अनुग्रह दे और प्रभु यीशु मसीह हमें आपकी सामर्थ में बढ़ाइए, ऐसे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया, मेरे खुदावंद मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ आज के सुबह के समय। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, लेकिन पिता परमेश्वर हमें प्रभु आपके अनुग्रह पर ऐसे चलाइए कि पिता परमेश्वर सच में प्रभु हम भी प्रभु आपके वचनों को मान सके, हम भी प्रभु आपके वचनों को पूरी तरह से अपने जीवन में लागू कर सके। मेरे खुदावन, जो भाई जो बहन कहते हैं कि मेरे खुदावन कि हम तो पापी है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है और हमें कैसे प्रभु स्वीकारेगा पिता परमेश्वर, और ऐसे प्रार्थना करते हैं और दुखी होते रहते हैं। मेरे खुदावन मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस समय मेरे खुदावन आप उन्हें पापों के जाल से, पाप के बंधन से आजाद कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें अनुग्रह से भर दीजिए मेरे खुदावन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहन प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आज की जिंदगी में कोई भी पाप है, इस अगर कोई भी पाप है और आपके अंदर आपको वो पाप हमेशा परेशान करता रहता है और प्रभु से आपको दूर ले जाने की कोशिश करता है, आप प्रभु से इस समय पश्चाताप करिए। हालेलुया, प्रभु आपको निश्चय माफ करेंगे। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मेरे पिता परमेश्वर, जो भाई जो बहन प्रभु इस समय पश्चाताप कर रहे है, अपने पापों को मान रहे है कि प्रभु हमें माफ कर, हमने यह पाप किया है, हमने प्रभु झूठ बोला है, हमने किसी को परमेश्वर पिता परेशान किया है, आप हम अगर परमेश्वर पिता यहाँ कोई बेटा और बेटी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर हमने हमारे माँ बाप को परेशान किया है और इस कारण से प्रभु हम पापी ठहरे हुए हैं, ऐसे जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावंद, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिता हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम आपके वचन पर चलेंगे, ऐसा जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ उस हर भाई के लिए, उस हर बहन के लिए कि पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु आप परमेश्वर पिता प्रभु आपकी सामर्थ्य से भरिए और परमेश्वर पिता शैतान की कोई भी चाल, शैतान की कोई भी परमेश्वर पिता लालच उनके अंदर ना आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपके परमेश्वर पिता वचनों पर आप उन्हें चलाइए, आप प्रभु उन पर अनुग्रह कीजिए और परमेश्वर पिता प्रभु दिन ब दिन प्रभु आप परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों को अनुग्रह से भर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने आपके बेटे बेटियों को आपके लहू से धोया और परमेश्वर पिता पाप के बंधन से आपने उन्हें आजाद किया और प्रभु यीशु मसीहा आप उन्हें पवित्रताई में बढ़ाते जाइए मेरे खुदावन, और वो पवित्र रहे और परमेश्वर पिता पवित्रताई में बने रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। शैतान उन्हें भटकाने ना पाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
हर दुष्ट आत्मा उनकी जिंदगी को छोड़कर निकल जाए। डेविल पावर यीशु मसीह के नाम से निकल जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से व्यभिचार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जा। गंदे विचारों की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जा। पिता परमेश्वर दया करो, शैतान की सभी ताकतें यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति आपके बेटे और बेटियों के अंदर आ जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देता हूँ। आमेन।